लावा अग्नि 2 में गाइस यहाँ पर एक इशू आया है, जो आया है उससे बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है टेंशन हो गई है कि भाई फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं उसी के बारे में। मतलब ग्रीन लाइन का एक इशू आया है कि यहाँ पर एक पिंक लाइन उनको मिल गई एक फ़ोन में। तो क्या मैटर हुआ, कैसा सॉल्व हुआ, क्या वो पूरे देखिए, जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आपने किया। तो देखिए क्या होता है कि जब भी कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो उसकी डिमांड होती है कुछ, मतलब जो स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा चल जाते हैं जैसे लावा अग्नि 2 भाई बहुत डिमांड में है। तो अब उसकी क्या है, अगर एक इशू आया है तो कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज यार मतलब इतने स्मार्टफोन उन्होंने बेचे हैं तो गलती से कभी ना कभी एक में निकल जाता है इशू। ये एक ब्रांड के साथ नहीं, एक फ़ोन के साथ नहीं, बहुत सारे फ़ोन के साथ ऐसा होता है। ठीक है, बात करते हैं ये जो इशू के बारे में। तो जिसके साथ हुआ उसने ट्वीट किया था और लावा ने उनको एक अच्छा रिस्पांस भी दिया। उन्हें उसमें भी वो भी लिखा कि उनको रिस्पांस अच्छा मिला लावा की तरफ से, और उनका जो मोबाइल है, जो प्रोडक्ट है, वो लोग खुद पिकअप करेंगे एंड फिर ड्रॉप करेंगे जब बनने के बाद। तो ये एक अच्छी स्टेप लिया मुझे लगा लावा ने, बिकॉज अगर आप लोग जाते हो या कुछ कुछ सिटीज़ में नहीं भी रहता है लावा का सर्विस सेंटर, या भाई जाओ इतना टाइम लगाओ, ट्रैफिक अलग और भाई हमारा खर्चा अलग होगा जाने का, तो वो अलग इशू बन जाता है। तो आप खुद पिकअप करो, बिकॉज आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है नहीं। तो आप खुद पिकअप करो और फिर उसको फिर ड्रॉप करो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो कंपनी ने ये काम किया, मुझे लगा ये बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट बात तो ये है कि यहाँ पर इससे कोई डरने की बात नहीं, बिकॉज ये बहुत सारे स्मार्टफोन्स के साथ होता है। ये पहली बार हुआ है लावा अग्नि 2 के साथ, अगर आप जानते हो तो। अगर तीन चार स्मार्टफोन 10 स्मार्टफोन हो जाते हैं ना, तो फिर हम बोल सकते थे एक बड़ा इशू है, बट पहला स्मार्टफोन है, मुझे नहीं लगता कोई इशू है। और डेफिनेटली अगर आप लोग इसको लेना चाह रहे हो बिल्कुल लीजिए, मैं एकदम रिकमेंड करता हूँ आपको। और मैंने इसलिए इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया और मैंने सोचा आपको बताया जाए कि भाई देखिए एक स्मार्टफोन इनके साथ अगर ये ऐसा हुआ है तो इसको कोई बड़ी बात नहीं कि आपके साथ भी होगा, और अगर हुआ भी ना हो तो, बट हुआ भी तो लावा अच्छा काम कर रहा है। वो आपको रिप्लेस करके या तो फिर आपको बना कर वो ज़रूर देगा। ठीक है, फ़ोन के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छा स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से, जिस प्राइस में ही आता है ना उस प्राइस रैकेट में मुझे लगता है सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है लावा अग्नि 2। और अभी आने वाले हैं स्मार्टफोन तो वो भी बात अलग है, बट कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा कि आप लेने वाले हो नहीं लेने वाले। अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक करके जाइए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि यहाँ पर आजकल डेली कॉन्टेंट आते हैं और हम लगे हुए हैं कि आपको कम से कम दिन में एक वीडियो दें। तो वो आप लोग अपना सपोर्ट और अपना प्यार देते ही रहिए एंड इसमें लगता हूँ। टिल देन थैंक फॉर वॉचिंग। मुझे पता है यार छोटा वीडियो था, क्योंकि इसके ऊपर एक और वीडियो आने वाला है नेक्स्ट सेल के ऊपर, तो इसलिए मैंने सोचा 2 वीडियो बना देता हूँ। तो इसमें लगता हूँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।